हाय, वेदिका किचन किंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चने के दाल के बड़े कैसे बनाएं। हम 400 ग्राम चने के दाल ले लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए, पानी डाल के हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। अब हमारा दाल तैयार है, अब हम इसे पीस लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकते हो। देखिए, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा पीसेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, फिर ये बनाने में दिक्कत होगा। देखिए, अब मेरा दाल पीस के तैयार है। अब हमारा दाल पीस के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारे दाल पीस के तैयार हो गया। अब हम पैन में तेल डाल देंगे जब तक हमारा तेल गर्म होता रहेगा। देखिए, अब हमारा तेल गर्म होता रहेगा। अब इसमें दाल में प्याज डाल लेंगे, कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, धनिया डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, आधा चम्मच हल्दी भी डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए, अब इसको अच्छे से एकदम मिला के तैयार कर लेंगे इसे। ये देखिए, अब हमारा दाल तैयार हो गया। हम हाथ पे तेल लगा लेंगे ताकि इसको अच्छे से आकार दे पाए हम। ये देखिए, अब हम इसे ऐसा आकार दे देंगे। साइड से भी हाथों से चिकना कर लेंगे। अब इसे हम तेल में डाल देंगे। देखिए, हमारा तेल भी गर्म है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब एक एक करके हम इसमें तेल में डाल देंगे। देखिए, अभी धीरे धीरे पकता रहेगा। ये देखिए, इसे थोड़ा आराम से डालना पड़ेगा ताकि ये टूटे ना, नहीं तो ये तेल में फैल जाएगा। देखिए, अब हम इसे पकने के लिए 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। देखिए, अभी धीरे धीरे पक रहा है हमारा। चने की दाल है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी से हम एक एक करके, देखिए, हम इसे एक एक करके आराम से पलटेंगे ताकि ये टूटे ना।
अभी अच्छे से पका नहीं, इसीलिए हम इसे छोड़ देंगे। अभी से हम पलट लेंगे। देखिए अभी हमारा पक चुका है, अभी ये हमारे ब्राउन कलर में आ गया, तो यानी कि एक तरफ से पक के तैयार है। देखिए अब हम इसे दूसरी तरफ से पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कलर आना चाहिए, तभी ये पक के तैयार होगा। ये देखिए अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। अब हम इसे प्लेट में एक एक करके निकाल लेंगे। अब इसमें हम चाट मसाला डाल लेंगे। अब ये हमारे दाल के बड़े बनके तैयार हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और नया वीडियो देखने के लिए प्रेस बेल आइकॉन।